स्वागत है आपका दोस्तों। नमस्कार, अभिनंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं कि जब ये घटना हुई थी तो पूरी दुनिया को इस घटना ने हिला के रख दिया था और इस दुनिया के इतिहास में ये सबसे बड़ा जो होस्टेज रेस्क्यू है वो यही था। और इससे पहले कि इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं, थोड़ा सा मैं इसका परिचय आपको दे दूं तो आपको ये घटना के बारे में सुनने में, जानने में और देखने में ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, इस घटना का नाम है ऑपरेशन थंडरबोल्ट, द मिशन विच स्टंड द होल वर्ल्ड। बताता हूँ इसके बारे में। ये अपनी दुनिया का जो नक्शा है वो आप देख रहे हैं और मैं जिस देश के बारे में बात कर रहा हूँ, जब मैं उसका नाम लूंगा तो आपको बहुत परेशानी आएगी उस देश को इस नक्शे पर लोकेट करने में और ढूंढने में। तो जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें आपको समझने में आसानी होगी। जिस देश का नाम मैं लेने जा रहा हूँ वो देश है इज़राइल, और आप इस दुनिया के नक्शे पर देखेंगे तो आपको उसको ढूंढने में बहुत ही दिक्कत आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब इस घटना की डिटेल के बारे में आपसे बात करते हैं और उम्मीद है कि ये जानकारी आपको बहुत रोचक लगेगी। और जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और वीडियो के अंत में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। उससे मेरा हौसला बढ़ता है और मुझे ये जानकारी मिलती है कि किस तरह के वीडियो आपको पसंद आते हैं और किस तरह के वीडियो आपको चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसका डिटेल। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज इस घटना को डिस्कस करने का क्या औचित्य है। दोस्तों, आज भी आपकी जानकारी में होगा कि हमास और इसराइल के बीच में भीषण युद्ध चल रहा है और वो युद्ध धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब जिस क्षेत्र में हो रहा था उन क्षेत्रों से और ज़्यादा फैल रहा है, जिसको कहते हैं कि एस्केलेट कर रहा है। और आज भी हमास के कब्जे में इसराइल के बहुत सारे होस्टेजेस हैं। ऐसा संख्या आती है कि 150-200 होस्टेजेस हमास के कब्जे में हैं जो इसराइली नागरिक हैं, ज्यूज हैं। और ऐसा ही काम हुआ था 1976 में जब ये घटना हुई थी, जब ऑपरेशन थंडर बोल्ट को अंजाम दिया गया था। तो उस समय के उनके जो हीरो थे योनाथन, की आज इसराइल की जनता को बहुत याद आ रही है। उसका कारण है कि वो जो 100 से ऊपर होस्टेजेस जो एनटीबे से छुड़ाए गए थे, उसके जो मेन लीडर थे, जो कमांडर थे, वो यही थे योनाथन। और भी लोग थे मगर योनाथन वो थे जिन्होंने इस पूरे मिशन को लीड किया था। इसमें जो अटैकर्स थे, मतलब जिनको जो होस्टेजेस पे फायरिंग करनी थी, उस टीम के कमांडर योनाथन थे। तो आज इसराइल की जनता उन्हें बड़ी शिद्दत से, बड़ी मोहब्बत से और बड़ी श्रद्धा से याद कर रही है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एंटीबे मिशन या एंटीबे घटना की कहानी। दिन था रविवार का और तारीख थी 27 जून 1976। सब कुछ सामान्य चल रहा था और इसराइल के जो लोग थे, जो नागरिक थे, वो अपनी आम दिनचर्या में व्यस्त थे, मस्त थे। और उसी समय इसराइल के तेल अवीव एयरपोर्ट से एयर फ्रांस की एक फ्लाइट 139, जो कि एक एयरबस थी A300, और उसमें सवार थे 248 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स। जिनको पता नहीं उनको बता दें कि क्रू मेंबर्स होते हैं जो पायलट्स और जो विमान कर्मी होते हैं, जो एयर होस्टेस और जो बाकी स्टाफ होता है, जो जहाज का फ्लाइट का जो स्टाफ होता है उसको क्रू बोलते हैं। तो 248 पैसेंजर्स थे और 12 क्रू मेंबर्स लेके ये फ्लाइट जो है तेल अवीव एयरपोर्ट से उड़ती है और इसको जाना होता है फ्रांस के पेरिस शहर में। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, और अगर आपको ज्योग्राफी का थोड़ा अंदाज़ा होगा तो पता लग जाएगा कि जब तेल अवीव से कोई जहाज़ उड़ेगा फ्रांस की तरफ, पेरिस की तरफ, तो बीच में देश पड़ता है ग्रीस। ग्रीस की राजधानी है एथेंस। इस फ्लाइट को एथेंस में रुकना था और ये फ्लाइट एथेंस में रुकी और वहाँ से 58 पैसेंजर्स, जिसमें कि 4 आतंकवादी थे, वो भी इस फ्लाइट में चढ़ गए। और ये जो 4 आतंकवादी थे, इसमें 2 तो फिलिस्तीन के थे यानी पैलेस्टीनियंस, और 2 थे जर्मनी के एक गुट के आतंकवादी थे। मैं अभी उनका नाम, उनका डिटेल आपको बताऊंगा। 58 पैसेंजर्स के साथ आतंकवादी जो इस प्लेन में चढ़े थे,
उसके बाद ये फ्लाइट जो है उड़ती है पेरिस के लिए। अंतिम जो गंतव्य था वो पेरिस था और 12:30 बजे लोकल टाइम एथेंस का उस समय ये फ्लाइट वहाँ से उड़ती है। और बस फ्लाइट उड़ने के कुछ देर बाद जो आतंकी हैं वो हरकत में आ जाते हैं और जो पायलट्स हैं उनको ये आदेश देते हैं कि इस प्लेन को हमारे हिसाब से चलाया जाए। तो जाहिर सी बात है जब प्लेन की हाईजैकिंग हो चुकी है और आतंकियों के पास असॉल्ट राइफल्स हैं, कलाश्निकोव थी, ग्रेनेड्स थे, तो पायलट्स के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था और हाईजैकर्स के कहने पर ये प्लेन को लीबिया के बेंगाजी शहर में ले गए। वहाँ पे इस प्लेन की जो है रिफ्यूलिंग हुई। 7 घंटे ये प्लेन वहाँ पे खड़ा रहा और उसके बाद 28 जुलाई को ये प्लेन वहाँ के लोकल टाइम 3:15 बजे उड़ चलता है एंटीबे के लिए। और एंटीबे में बता दूँ, युगांडा में एक शहर है, कंपाला उसकी राजधानी है युगांडा की, उसी के पास में शहर है, वहीं पे इसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि लेक विक्टोरिया एक बहुत बड़ा लेक है उसके किनारे बना हुआ, जैसा कि मैं बता भी चुका हूँ। और ये जहाज जो है हाईजैक होके एंटीबे एयरपोर्ट पर उतर जाता है और उसके बाद ये जो होस्टेजेस हैं उस एयरपोर्ट की जो पुरानी टर्मिनल बिल्डिंग थी वहाँ पे इन होस्टेजेस को रख दिया जाता है। और वहाँ पर ये जो 4 आतंकवादी थे इसके अलावा वहाँ पे 4 आतंकवादी इनको और मिलते हैं और वहाँ पर जो युगांडन आर्मी है उसका भी सपोर्ट इनको प्राप्त होता है। उस समय युगांडा के जो प्रेसिडेंट थे या यूं कहें कि जो डिक्टेटर था वो ईदी अमीन था, ईदी अमीन दादा, और ईदी अमीन का पूरा सपोर्ट था इन आतंकवादियों को इस पूरे मिशन के लिए। और इसीलिए फ्लाइट जो है युगांडा लाई गई थी कि ऐसा देश होना चाहिए जिसकी इसराइल से दुश्मनी हो। दोस्तों आपको बता दें कि पहले ईदी अमीन और इसराइल की काफ़ी दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे ईदी अमीन ने इसराइल से फैंटम फाइटर्स जो जेट हैं वो मांगे थे, जिसको इसराइल ने उनको देने से मना कर दिया था। उसके बाद से ईदी अमीन इसराइल से नाराज़ हो गया और फिर उसने इसराइल से अपनी दुश्मनी मान ली और तभी उसी दुश्मनी के चलते इन हाईजैकर्स को उसने सपोर्ट किया कि आप आइए हमारे देश में, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे इसराइल के खिलाफ। अब जो ये 2 आतंकवादी थे जो फिलिस्तीन के थे यानी पैलेस्टाइन के थे, ये थे पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन यानी PFLP, और इसमें 2 जर्मन्स भी थे इनके साथ जिन्होंने इस हाईजैकिंग में इनका साथ दिया था। उन जर्मन्स में एक शख्स था, वो पुरुष था, उसका नाम था विल्फ्रेड बॉश, और जो महिला थी उसका नाम था ब्रिजिट कुलमैन। इन दोनों ने जो बाकी 2 पैलेस्टीनियंस हैं उनका साथ दिया था हाईजैकिंग में। और ये जो जर्मन्स थे ये जर्मन के रिवोल्यूशनरी सेल्स के जो हैं कार्यकर्ता थे जो कि आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहते थे। अच्छा, बेंगाजी में जब ये फ्लाइट 7 घंटे रुकी थी, वहां से जब ये उड़ने वाली थी, तो वहां पे एक ब्रिटिश महिला थी जो कि ब्रिटिश जीव थी, उसने हाईजैकर्स को ये कन्विंस कर लिया कि उसने ये प्रिटेंड किया, उसने नाटक किया कि उसका मिसकैरेज हो गया है। तो हाईजैकर्स से उसने रिक्वेस्ट की कि हमको इस प्लेन से उतार दिया जाए। हाईजैकर्स ने उसकी बात मान ली और उसको जो है बेंगाजी एयरपोर्ट पर जो है उस प्लेन से जो हाईजैक था उससे उसको उतार दिया गया। तो उसकी तो जान ऐसे बच गई। उसका नाम था पेट्रिसिया मार्टेल। अब जब होस्टेजेस को लेकर ये आतंकवादी एंटीबे एयरपोर्ट पे पहुंच गए और होस्टेजेस को जहां रखना था वहां रख दिया, और मैंने बताया आपको कि ईदी अमीन का इनको पूरा सपोर्ट था, तो ईदी अमीन डेली बेसिस पर इन होस्टेजेस से मिलने आते थे और हाईजैकर से भी मिलने आते थे और उनको होस्टेजेस को भरोसा देते थे कि हम बात कर रहे हैं डिप्लोमेटिक चैनल से और आपको छुड़ाएंगे, और उधर हाईजैकर से दूसरी बात किया करते थे। ये तो था ईदी अमीन का खेल। 28 जून को 27 को फ्लाइट उड़ी थी, 28 को वो पहुंच गई एंटीबे और 28 जून को ही अल्टीमेटली हाईजैकर्स का जो काम होता है फिर उन्होंने अपनी डिमांड्स को सामने रखा। और हाईजैकर्स की डिमांड ये थी कि जो 53 पैलेस्टीनियन जो प्रिजनर्स हैं जिसमें कि 40 इसराइल की जेल में हैं और बाकी जो 13 हैं दुनिया के विभिन्न देशों की जेलों में हैं उनको छोड़ा जाए, ये हाईजैकर्स की पहली और प्रमुख मांग थी। इस मांग के अलावा उन्होंने $5 मिलियन की भी मांग की थी, जिसके न मिलने पर या इन मांगों के न माने जाने पर वो जो होस्टेजेस को मारना शुरू कर देंगे एक एक कर, ऐसी हाईजैकर्स की धमकी थी। और ये उन्होंने संदेश जो है पूरी दुनिया को प्रसारित कर दिया।
अब ये खबर सुनकर तो पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया और इसराइल में तो विशेष रूप से पूरी खलबली मच गई। तब क्या हुआ कि उस समय को इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे यिट्ज़ैक रैबिन, उन्होंने अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई ये डिसाइड करने के लिए कि आगे क्या कदम उठाना चाहिए, कोई डिप्लोमेटिक मेजर लेना है या मिलिट्री मेजर लेना है या और भी किसी तरीके से इस क्राइसिस को सॉल्व करना है। तो उधर इसराइल में तो कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो गई और ये हुआ कि किस तरह से इस क्राइसिस से पार पाया जाए। और उधर वो जितने भी होस्टेजेस थे उसमें से इजरायली जो नागरिक थे उनको अलग कर दिया गया और बाकी जो बचे हुए जो नॉन इजरायली थे उनको अलग कर दिया गया, दूसरे रूम में रखा गया और फाइनली उनको जो है एक फ्लाइट से वापस भेज दिया गया। यानी ये सारी कहानी थी इसराइल के नागरिकों को होस्टेज बनाने की और उनको अलग से होस्टेज बना भी लिया गया और अलग कमरे में उनको रख दिया गया। मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं कि जो जहाज का क्रू था, जो 12 मेंबर्स थे जो एयर फ्रांस के क्रू थे, उन्होंने जाने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हम जो है इन्हीं होस्टेजेस के साथ जो इजरायली ज्यूस जो है इनके साथ ही रहेंगे, बाकी पैसेंजर्स को आप भेज सकते हैं, हम इनके साथ रहेंगे। तो उधर जब यिट्ज़ैक रैबिन जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अपनी कैबिनेट में ये कह दिया कि अगर कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं होता, मिलिट्री अप्रोच से हम इस समस्या का पार नहीं पा पाते हैं, तो हम जो हाईजैकर्स की डिमांड है उनके जो 40 प्रिजनर्स हमारे पास हैं उनको हम छोड़ देंगे। लेकिन जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनके शिमॉन पियर्स, उनका कहना था ये टेररिज्म को बढ़ावा देने जैसी बात होगी, इसलिए जो प्रिजनर्स हमारे पास बंद हैं उनको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। इन दोनों में ये डिफरेंस चलता रहा और बातचीत होती रही। उधर एक इजरायली थे बरूक बुरका बारलेव, इनकी जो है ईदी अमीन से दोस्ती थी और इनके पुराने संबंध थे ईदी अमीन से, तो उनको भी काम पे लगाया गया और कहा गया कि ईदी अमीन से बात की जाए और कुछ रास्ता निकाला जाए। बरूक बुरका बारलेव ने कई बार ईदी अमीन से बात करने की कोशिश की लेकिन ईदी अमीन ने उनको मना कर दिया कि ये नहीं हो सकता। उधर इसराइल ने अमेरिकन गवर्नमेंट से बात की कि आप जो है इजिप्ट के प्रेसिडेंट अनवर सादात, मैंने आपको नक्शे पर इजिप्ट भी दिखाया था, वो इसीलिए कि मैंने कहा इतने इतने देश इन्वॉल्व हैं, कैसे कैसे इनका इन्वॉल्वमेंट देखिए आगे चलेगा, अभी आपको जानकारी मिलेगी। तो इसराइली गवर्नमेंट ने यूएस गवर्नमेंट से बात की कि यूएस गवर्नमेंट जो है इजिप्ट को प्रेशराइज करे इस बात के लिए कि जो उनके प्रेसिडेंट है अनवर सादात, उनके संबंध जो है ईदी अमीन से अच्छे थे, कि ईदी अमीन को मनाएं किसी तरह कि इन होस्टेजेस को छोड़ दिया जाए। और यहां मैं आपको बता दूं कि ये उस समय की बात है जब इसराइल का कब्जा था इजिप्ट के एक हिस्से पर, एक सिनाई पेनिनसुला है उस पर इसराइल ने कब्जा कर रखा था और वो इजिप्ट का वो हिस्सा है जो एशिया में पड़ता है। मतलब इजिप्ट अकेला ऐसा देश है जिसकी कुछ जमीन जो है वो एशिया में है और बाकी बची हुई काफी जमीन वो अफ्रीका में है। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इजिप्ट इज द ओनली कंट्री विच हैज इट्स लैंड इन एशिया एज वेल एज अफ्रीका। और उसका जो सिनाई पेनिनसुला है वो उस समय इसराइल के कब्जे में था और उसके बाद भी इसराइल ये सोच रहा था कि इजिप्ट हमारी मदद करेगा। डिप्लोमेसी में ऐसा होता रहता है कि एक दूसरे से मदद किसी भी हाल में मांगी जा सकती है। और हाईजैकर्स ने जो अपनी मांगे माने जाने की जो डेडलाइन तय की थी वो थी 1 जुलाई। 1 जुलाई तक किसी फैसले पर इसराइल पहुंच नहीं पाया और इधर उधर दुनिया के काफी देशों से बातचीत भी हो रही थी मगर इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मीट द डेडलाइन ऑफ 1 जुलाई। तो इसराइल ने रिक्वेस्ट किया हाईजैकर्स से कि आप इस डेडलाइन को 4 जुलाई तक बढ़ा दीजिए, तब हम आपकी मांगों के बारे में कोई विचार कर पाएंगे। उधर इसराइल लगा हुआ था कि हम इसका कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे, या तो मिलिट्री सोल्यूशन होगा या डिप्लोमेटिक सोल्यूशन होगा या कोई और तरीका होगा, कोई कोवर्ट ऑपरेशन होगा, कोई मिशन होगा। मोसाद और इसराइल डिफेंस फोर्सेज में बातचीत चल रही लेकिन अभी तक किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचा नहीं जा सका। ये कहा गया कि जो है डेडलाइन जो है वो 4 जुलाई तक बढ़ाई जाए। अब 4 जुलाई की जब डेडलाइन की बात हुई तो वो उनको भी बहुत सूट कर रही थी, ईदी अमीन को भी। मॉरिशस में ईदी अमीन को जाना था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी की एक मीटिंग में मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुई में, और वहां पे ये जो अपनी प्रेसिडेंसी है उसके जो चेयरमैन थे वो उस समय ईदी अमीन ही हुआ करते थे और ईदी अमीन को वो चेयरमैनशिप जो है वो सौंपनी थी मॉरिशस के प्रेसिडेंट उस समय हुआ करते थे सर शिव सागर राम गुलाम। तो ये ईदी अमीन को भी बड़ा सूट कर रहा था कि 4 जुलाई को जो है वो डेडलाइन एक्सटेंड कर दी जाए। अब 4 जुलाई ऐसे आ रहा है तो मैं आपको बता दूं इसका रेफरेंस आया कि 4 जुलाई जो है वो यूएस का इंडिपेंडेंस डे होता है, ये यूं ही
चलते चलते मैंने आपको बता दिया, तो उसका कोई इस घटना से लेना देना है नहीं। बट हाँ, यूएस वॉज इन्वॉल्व इन दिस निगोसिएशन, उसने भी अपना रोल अदा किया। और अल्टीमेटली 3 जुलाई को जब ये डेडलाइन बढ़ाने पे हाइजैकर्स मान गए और ईदी अमीन भी उसके लिए तैयार थे, तो अल्टीमेटली 3 जुलाई को इजरायली कैबिनेट ने फैसला किया कि हम एक ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे जिसमें हमारे डिफेंस फोर्सेस एंटीबे जाएंगे और वहां से होस्टेजेस को छुड़ा के लाएंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ा फैसला था, बहुत ही डेयरिंग फैसला था और बहुत ही संभल कर इस काम को करने वाला था, लेकिन कोई और चारा था नहीं तो इसराइल ने ये धमाकेदार फैसला लिया और अपने डिफेंस फोर्सेस को इस फैसले की जानकारी दे दी कि आप लोग आगे बढ़ गए। और इसके लिए जो ब्रिगेडियर जनरल डैन शामरॉन, उनको इस ऑपरेशन का कमांडर बनाया गया। ये फैसला हो तो चुका था कि हम एक रेस्क्यू मिशन करेंगे, लेकिन उसके बाद भी जो बैकडोर डील्स थी, निगोशिएशन डील्स थी, वो चल रही थी। उसमें जो है पीएलओ के चेयरमैन उस समय हुआ करते थे यासर अराफात जी। यासर अराफात जो पीएलओ के चेयरमैन थे, उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल एड था, जो पॉलिटिकल उनके सहयोगी थे, उनका नाम था हनी अल हसन, उनको हाईजैकर से बात करने के लिए भेजा और उनसे कहा कि आप हाईजैकर से बात करिए और ईदी अमीन से बात करिए। लेकिन हाईजैकर, हालांकि वो पीएलओ के ही पैलेस्टीन के ग्रुप के हाईजैकर थे, उन्होंने इनके जो एड थे उनसे मिलने से मना कर दिया। और ईदी अमीन तो खैर क्या ही मिलते, वो बात भी खत्म हो गई। तो जब ये डिसाइड हो गया इजरायली गवर्नमेंट द्वारा कि एक रेस्क्यू मिशन किया जाएगा, तब तो ये रेस्क्यू मिशन कैसा होगा, ये किस तरह से किया जाएगा, इसका क्या बाया मीडिया हो गया, क्या मोड होगा, इस सब पे चर्चा होने लगी। तो इसमें इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने एक, इनका आपको कई जगह से आइडियाज आने लगे, कई जगह से मिशन कैसे चलेगा, उन सब की बातें होने लगी। तो इसमें जो इजरायली नेवल कमांडर थे, उन्होंने एक आइडिया दिया कि हम लोग जो है अपने जो कमांडोज हैं उनको जो लेक विक्टोरिया, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, लेक विक्टोरिया में अपने कमांडोज को हम फाइटर से उनको ड्रॉप कर देंगे उस लेक विक्टोरिया में, और उनके साथ वो रबर बोट्स होंगी और रबर बोट से वो चल के एयरपोर्ट तक आएंगे। उसके बाद जो है जो हाईजैकर्स हैं उनको मार देंगे, अगर कोई और भी युगांडन आर्मी की भी कोई रेजिस्टेंस सामने से आई तो उनको भी मार देंगे। और उसके बाद जो है वापसी के लिए ईदी अमीन से कहा जाए कि अब हमें वापस जाने का रास्ता दीजिए। एक और इसमें प्लान किसी ने बताया कि ईदी अमीन उस समय पोर्ट लुई मॉरिशस में थे, जो अफ्रीकन यूनिटी वाली जो मीटिंग थी उसमें, तो किसी का ये विचार आया कि ईदी अमीन को वहीं मॉरिशस में कैप्चर कर लिया जाए और उनको कैप्चर करने के बाद हाईजैकर से कहा जाए कि इनको तभी छोड़ेंगे जब आप हमारे होस्टेजेस को छोड़ेंगे। जो इसराइल है उसका जो बुद्धि है, जो उसका जो तेवर है, जो उसकी दबंगई है, जो उसका जो सोच है, मतलब वो वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। ये इतने डेयरिंग होते हैं, दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन प्लान एनीथिंग एंड एग्जीक्यूट एनीथिंग। और वैसा ही इस मिशन में उन लोगों ने किया, पूरी दुनिया को भौचक्का कर दिया था। और इसराइल का दबदबा इस एंटीबे इंसिडेंट के बाद दुनिया में एकदम से बढ़ गया था। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। तो ये डिसाइड हुआ कि लेक विक्टोरिया में ये भेजेंगे अपने ट्रूप्स को, कमांडोज को उतार दिया जाएगा, रबर बोट से जाएंगे। फिर फाइनली ये हुआ कि रबर बोट से अगर जाएंगे और उसमें पानी में चलना पड़ेगा, इतना टाइम तो हमारे पास है भी नहीं और ये बहुत ज्यादा समय लेगा और इसमें तो पूरा ऑपरेशन गड़बड़ा सकता है। दूसरा, किसी और भी जगह से ये इनपुट मिला था कि जो लेक विक्टोरिया है उसमें बहुत खतरनाक जो है वो क्रोकोडाइल रहते हैं, तो उनको फिर उनसे लड़ना जूझना वो एक बड़ा मुश्किल भरा काम होगा, तो उसके लिए कोई तैयार नहीं था, वो तो एक बिल्कुल नई चीज़ होती। तो फिर और कोई रास्ता सोचने पर विचार हुआ कि कोई और रास्ता सोचा जाए। अब था क्या समस्या, ये थी कि जो एंटीबे था वो इसराइल से करीब 4000 किलोमीटर दूर था। अब इसराइल के पास ऐसा कोई विमान उस समय था नहीं, उस समय ये 1976 की बात है, कि 4000 किलोमीटर तो तक कोई विमान चला जाए और वहां से वापस आ जाए, ये ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी और ना कोई ऐसा इक्विपमेंट था कि ये हो सके। तो इसराइल को हर हाल में ये करना था कि कोई एक जगह ऐसी बीच में ढूंढनी है जहां पे उसके प्लेन्स की रिफ्यूलिंग हो सके, अदरवाइज ये ऑपरेशन किसी भी तरीके से कामयाब हो ही नहीं पाएगा। तो जो युगांडा के आसपास के देश हैं उनसे बात की गई। अब इजिप्ट में तो हो नहीं सकता, इजिप्ट तो वैसे ही इसराइल के बिल्कुल बगल में है, तो वहां पर रिफ्यूलिंग का कोई बात करने का फायदा नहीं, हो वैसे भी इजिप्ट की लैंड उसने कब्जा कर रखी थी तो वहां पर वो तो अलाउ ही नहीं करता। फिर वो जिबूती में बात की गई, फिर इथियोपिया में और कीनिया में और तंजानिया में, सब जगह, लेकिन वो सारे देश इस बात से डरे हुए थे कि ये ईदी अमीन का मामला है, इस मामले में हम कूदेंगे नहीं। और ये जो 4000 किलोमीटर की डिस्टेंस है ये किसी न किसी तरीके से
रिफ्यूलिंग से ही हो सकती थी, अदरवाइज ये संभव नहीं था। फिर खैर किसी तरह कीनिया को मनाया गया, कीनिया का भी उससे वॉर चलता था। तो जरूरत यह थी कि ईस्ट अफ्रीका का जो जोन पड़ता है उसमें जितने भी कंट्रीज हैं उसमें किसी एक कंट्री का अगर साथ मिल जाए और वो रिफ्यूलिंग के लिए अलाउ कर दे तो ये मिशन को कामयाब किया जा सकता है। तो उसके लिए फिर वो कीनिया के प्रेसिडेंट को, कीनिया के एक मिनिस्टर हैं ब्रूस मैकेंजी जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उनके उस समय, उनको किस तरह से इन्फ्लुएंस किया गया। और फिर ब्रूस मैकेंजी ने जो है वो कीनिया के जो उस समय प्रेसिडेंट थे योमो केन्याटा उनसे बात की और उनको जो है इस बात के लिए मना लिया गया कि इसराइल के जो जहाज हैं इनको जो है केन्या के जो एयरपोर्ट है उस पर, नैरोबी, केन्या की कैपिटल है नैरोबी, नैरोबी का जो जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आज की डेट में वो उन्हीं प्रेसिडेंट के नाम पे उनका उस एयरपोर्ट का नामकरण हुआ है, तो उसको फिर अलाउ कर दिया गया और ये बात बन गई कि इसराइल के जो जहाज आएंगे वो यहाँ पे उनकी रिफ्यूलिंग होगी, फिर वो यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब ये जो मैकेंजी साहब हैं, ब्रूस मैकेंजी साहब जो केन्या के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, ये कैसे लाइन पे आए? तो इनको लाइन पे लाने के लिए अब इसराइल की बड़ी दोस्ती थी उस समय ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन के MI6 जो उसकी एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, स्पाइंग एजेंसी, उसके एक ऑफिसर हैं सर मॉरिस ओल्डफील्ड, उनसे बात करके फिर वो सर मॉरिस ओल्डफील्ड जो MI6 के ऑफिसर हैं उन्होंने ब्रूस मैकेंजी से बात की, उनको इन्फ्लुएंस किया, तब जाके ये बात बनी और तब जाके ये नैरोबी एयरपोर्ट पे एक्सेस मिलेगा इनको जहाज़ों को, जो भी 4-6 जहाज वहाँ से, अभी तो प्लानिंग हो ही रही कि पहले ये बात हो जाए कि हमको रिफ्यूलिंग के लिए यहाँ पे सुविधा मिलेगी, तब उस हिसाब से डिसाइड होगा कौन से एरोप्लेन चाहिए, कौन से फाइटर्स चाहिए, कौन से क्या चाहिए। तो खैर ये परमिशन किसी तरह हो गई, अब जो है मिशन जो है वो ऑन था कि मिशन जो है होना है। अब जब ये बात हो रही थी, सब बात को बड़ा सीक्रेट रखा जाता है और रखना ही चाहिए, क्योंकि अगर सीक्रेसी नहीं रहेगी तो मिशन का सक्सेसफुल होना तो बिल्कुल डाउटफुल है, बल्कि हो ही नहीं पाएगा। तो जब ये बात चल रही थी कि केन्या जो है वो इसराइल को सपोर्ट देगा ये एयरक्राफ्ट की रिफ्यूलिंग में, तो मैंने अभी आपको बताया था वर्ल्ड के नक्शे पर कि लेसोथो एक कंट्री जो साउथ अफ्रीका के अंदर है, लेसोथो, तो लेसोथो में युगांडा का एक एम्बेसडर था, उसका नाम था आइजैक लुमेगो। तो आइजैक लुमेगो ने कहीं फोन पर इसको ओवरहियर कर लिया, ये जो बातचीत हो रही थी इसको ओवरहियर कर लिया, केनियन एयरफोर्स के कुछ ऑफिसर्स के द्वारा ये बात लीक हो गई कि केन्या जो है ऐसी ऐसी फैसिलिटी जो है वो इसराइल के एयरक्राफ्ट को देने जा रहा है। ये जो लुमेगो ने बातचीत को ओवरहियर किया था, ये उन्होंने बताया युगांडा के जो कमांडर हैं, आर्मी के कमांडर आइजैक मलियामुंगू, आइजैक मलियामुंगू को इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि केन्या के जो नैरोबी एयरपोर्ट है वहाँ पे ऐसा कुछ सुविधा इसराइलीज को मिलने जा रही है, इसको देख लीजिए। मलियामुंगू ने ये लुमेगो की जो रिपोर्ट है उसको फेंक दिया डस्टबिन में, कहते हुए कि बकवास है, दिस इज ऑल रबिश। लेकिन फिर भी लुमेगो, चूंकि वो युगांडन था, उसको लगा कि मेरे देश में ऐसा कुछ होने जा रहा है, तो वो अपनी देशभक्ति दिखा रहा था, तो समहाउ लुमेगो ने ये जो सूचना है वो इदी अमीन तक पहुंचा ही दी। ये बाद के जो इन्वेस्टिगेशन या बाद में जो तथ्य निकल कर आए हैं उसमें जो इदी अमीन का जो बेटा है जफर रिमो, उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो खैर इदी अमीन को ये पता लग गया कि केन्या ऐसा करने जा रहा है, और केन्या की तो बड़ी दुश्मनी भी थी इदी अमीन से। लेकिन इदी अमीन भी इस बात से घबराते थे कि इजरायली फोर्सेस के सामने अगर युगांडन फोर्सेस गए तो उनकी फजीहत होना तय है और उनका बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि अगर युगांडा की आर्मी के जो कमांडर्स हैं या जो आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने इजराइल के कमांडर्स पे या सोल्जर्स पे हमला किया, तो जो जवाबी हिंसा होगी, जो जवाबी फायरिंग या जवाबी लड़ाई होगी, उसमें युगांडा को मुंह की खानी पड़ेगी। तो वो भी इस बात से काफ़ी टेरिफाइड थे, काफ़ी डरे हुए थे, तो उन्होंने इस चीज़ को अवॉइड ही किया कि ठीक है मैं लौट के आके देखूंगा क्या करना क्या नहीं करना, और तब तक जो है अपनी आर्मी को ये ऑर्डर दे दिया कि इजरायली सोल्जर्स अगर वहाँ कोई रेड मारने के लिए आते भी हैं तो उन पर कोई फायरिंग या कोई अटैक ना किया जाए। ये उसके आदेश से वो बैठा हुआ था इदी अमीन मॉरिशस के पोर्ट लुई में। अब देखिए जब रिफ्यूलिंग की बात हो गई, फाइनल हो गई कि रिफ्यूलिंग हमको मिल जाएगी, तो मिशन जो है ऑन हो गया। अब देखिए क्या क्या तैयारियां शुरू हो रही हैं इस मिशन को अंजाम देने के लिए, कहाँ मोसाद का रोल आता है, कहाँ फाइटर्स का रोल आता है, कहाँ एयरक्राफ्ट का रोल आता है, कहाँ स्टेल्थ का रोल आता है, क्या टैक्टिक्स होती हैं, ये सब अभी धीरे धीरे आपके सामने आएगा। अब देखिए मोसाद का रोल सामने आया, मोसाद ने क्या किया,
क्योंकि उस एयरपोर्ट के बारे में कोई किसी को जानकारी नहीं थी कि वो एयरपोर्ट का नक्शा कैसा है, उसका लेआउट कैसा है, कहाँ पे टर्मिनल बिल्डिंग है, कहाँ पे हैंगर्स हैं, कहाँ पे एयरक्राफ्ट की पार्किंग होगी, कहाँ पे फ्यूलिंग होती है, कितनी बड़ी स्ट्रिप है, कितनी स्ट्रिप है, रनवे कैसा है, कुछ भी जानकारी नहीं थी। अब देखिए मोसाद का काम शुरू हुआ। मोसाद ने क्या किया, जो इन्होंने पैसेंजर्स छोड़े थे जो नॉन इजरायली थे, उनको इन्होंने एयर फ्रांस की एक फ्लाइट से वापस भेज दिया था, जहां उनको जाना था, फ्रांस ही जाना था, पेरिस। तो उनको इन्होंने पेरिस भेज दिया था। उनसे कॉन्टैक्ट करके जो होस्टेजेस थे, जो छोड़े गए थे, उनसे बात करके, उनमें जिनकी मेमोरी बहुत शार्प थी, जिनकी बढ़िया मेमोरी थी, उनसे बात करके उस पूरे एयरपोर्ट का लेआउट का जितना भी नक्शा वक्शा और बिल्डिंग उसका लेआउट, जितनी उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते थे, वो उनसे होस्टेजेस जो दो दिन पहले वहां से छूट के गए थे, उनसे जितनी जानकारी मिल सकती थी ले ली। उसके बाद अब देखिए विधि का विधान देखिए या संयोग देखिए। अब देखिए ये जो एयरपोर्ट बिल्डिंग है, ये भी किसी एक इजरायली कंस्ट्रक्शन फर्म ने ही बनाई थी। इजरायली कंस्ट्रक्शन फर्म युगांडा में 1960-1970 से काम कर रही थी, काफी सारी फर्म थी। उसी में एक फर्म थी सोलेल बोनेह, और वो जो इजरायली फर्म थी उसने 1970 में उस टर्मिनल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया था। तो जाहिर सी बात है जब कंस्ट्रक्शन होगा तो उसके मैप्स, उसकी ड्राइंग्स, उसकी सारी डिटेल्स उनके पास होगी, रनवे, एयर स्ट्रिप, सब कुछ उनके पास था। तो मोसाद लग गई इस बात पे कि जो जिस इजरायली फर्म ने वो बनाया था उससे उसके नक्शे और डिटेल ले लिए, और उस डिटेल को लेने के बाद उसका एक बिल्डिंग का एक मॉडल तैयार किया गया जल्दी जल्दी आनंद फानंद में, क्योंकि टाइम नहीं था। ये 3 तारीख है और 4 तारीख जो है वो डेडलाइन है, 4 तारीख को कोई समय है जो डेडलाइन है। तो वो जल्दी से उसका एक मॉडल तैयार किया गया और उसमें देखा गया कहाँ से कितनी दूर है रनवे से, कहाँ तक जहाज जाएगा और कहाँ पे जहाज रुकेगा, ये सब करके इन सब की प्लानिंग जो है होनी शुरू हो गई। और ये बहुत जल्दी एग्जीक्यूट करना, बस 2-4 घंटे बचे हैं। अब जो इस मिशन के लिए इसराइल ने टास्क फोर्स जो बनाई, अब उसका डिटेल आप समझिए, जो ये टास्क फोर्स बनाई गई उसका जो एक हिस्सा था वो था ग्राउंड कमांड एंड कंट्रोल, और ये जो इसका जो ओवरऑल जो कंट्रोल था वो ब्रिगेडियर जनरल डैन शामरॉन के हाथ में था, और ये जो है एयरफोर्स के आदमी थे। फिर एक असॉल्ट टीम बनाई गई, जिसमें 29 मेंबर थे, और उस असॉल्ट टीम के जो लीडर थे वो थे जोनाथन, जिनका मैं जिक्र अभी कर चुका हूँ। और जोनाथन जो है वो पहले से ही इजरायली डिफेंस फोर्सेज के बहुत डेकोरेटिव ऑफिसर थे और बहुत ही डेयरिंग, बहुत करेजियस ऑफिसर थे, इसीलिए इसको इस ग्रुप का लीडर बनाया गया। एक टीम बनाई गई सिक्योरर्स की, जो सिक्योर करेंगे, जो होस्टेजेस वहां बंद है उनको सिक्योर कैसे करना है, उसकी एक टीम बनाई गई। उस टीम में पैराट्रूपर्स थे जिनको लीड कर रहे थे कर्नल मतान विलनाई। इनका काम था जब वहां पे इसराइल के फाइटर्स या जहाज जो उतरेंगे तो उनके लिए जो रनवे है उसको सिक्योर करना, जो वहाँ पे फ्यूल स्टेशन हैं उनको सिक्योर करना, और ये इंश्योर करना कि जो प्लेन वहाँ लैंड करेंगे उनको कोई दिक्कत ना आए, सिक्योरिटी वाइज या लॉजिस्टिक वाइज। फिर एक टीम बनाई गई कर्नल यूरी सागी के अंडर में, जिसका काम था जो C-130 हरक्यूलिस प्लेन है, जो लॉकहीड कंपनी ने जिसको बनाया हुआ है, वो एक कार्गो प्लेन है, उससे सामान को ले जाना लाना, और उसका जो भी सिक्योरिटी है, उसका जो भी सिस्टम बनेगा वहाँ पे, वो सब इनको बता दिया गया। और इनकी जिम्मेदारी थी ये जो कार्गो प्लेन्स हैं उनको प्रॉपरली वहाँ पे लैंड कराना और होस्टेजेस को इवैक्यूएट कराना, और इस जो लॉकहीड मार्टिन जो जहाज है इसको इतनी पास तक लेते जाना जितना पास ले जा सकते हैं जहाँ पे होस्टेजेस कैद कर रखे गए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेज का एक ग्रुप है सायरात मटकल, ये बहुत फेमस और बहुत ही प्रसिद्ध इनका एक यूनिट है आर्मी की, इसका मतलब होता है जनरल स्टाफ रिकॉनिसेंस यूनिट। सायरात जो वर्ड है उसका मतलब है रिकॉनिसेंस, और जो मटकल है उसका मतलब है जनरल स्टाफ। ये भी बहुत होशियार और बहुत ही काबिल लोगों से बनी हुई है, और इनका जो लीडर था इनको लीड करने का काम दिया गया मेजर शॉल मुफास को, और इनका काम था क्योंकि उस एयरपोर्ट पर मिलिट्री ऑपरेशंस भी होते थे, वो सिविलियन एयरपोर्ट तो था ही, तो दो हिस्से हो गए, एक सिविलियन का काम जो है सियोर को दिया गया और जो मिलिट्री वाला जो एयर स्ट्रिप थी उसका काम इनको दिया गया सायरात मटकल, जिसको लीड करेंगे मेजर शॉल मुफाज। इनका काम था जो मिलिट्री एयर स्ट्रिप है उसको क्लियर करना, और
वहां पर युगांडा में जो ये एयरपोर्ट है एंटीबे का, वहां पर रशिया से खरीदे गए मिग 17 और मिग 21 के 11 प्लेन खड़े हुए थे, उनको भी डिस्ट्रॉय करना था। वो इसलिए कि जब भी ये लोग होस्टेजेस को लेके वापस उड़ेंगे अपने प्लेन्स में रिफ्यूलिंग करके, तो कहीं ऐसा ना हो कि युगांडन एयरफोर्स जो है इनके पीछे ये मिग्स छोड़ दे तो इनका जो ऑपरेशन है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो ये तय किया गया, ये सायरात मटकल जिसको मेजर शॉल मुफाज की यूनिट को जिम्मेदारी दी गई, वो जो स्क्वाड्रन वहां पे खड़ा हुआ है, कितना भी स्क्वाड्रन में जितना पूरा तो नहीं होगा, 18 प्लेन्स का होता है स्क्वाड्रन, तो जो मिग फाइटर जेट्स हैं 17 और ये, इनको बिल्कुल निस्तनाबूद कर देना। और अगर कोई युगांडन आर्मी की तरफ से कोई गोलीबारी होती है तो उसको भी न्यूट्रलाइज करना, वो भी इन्हीं का काम था। अब देखिए दोस्तों कितनी तैयारी हो रही, कितने स्तर पे तैयारी हो रही है कि जहां पे एक भी अगर चूक हुई तो एक तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा ऑपरेशन, दूसरा वो होस्टेजेस के लिए बहुत खतरा, और तीसरा इसराइल एज अ देश उसकी भी बदनामी होने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन देखिए कितना मेटिकुलसली और कितना इंटेलिजेंटली इसको प्लान किया गया, अब देखें कैसे ये एग्जीक्यूट होता है। तो मैंने आपको बताया कि वो इसराइल ने एक हिस्सा जो है इजिप्ट का कब्जा कर रखा था, इसको कहते हैं सिनाई पेनिनसुला, और सिनाई पेनिनसुला के एक तरफ जो है वो रेड सी है और दूसरी तरफ जो है वो गल्फ ऑफ अकाबा है। और चूंकि ये सिनाई पेनिनसुला ये इसराइल ने कब्जा कर रखा था उस समय, तो इसका जो एक बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ पर शर्मल शेख नाम से, जहाँ पे एक मीटिंग भी हुई थी, जहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जो अपने पुराने प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कोई बयान दिया था, वो काफ़ी चर्चा में रहा था, मैं उसी शर्मल शेख की बात कर रहा हूँ। बड़े खूबसूरत यहाँ रिजॉर्ट हैं और बहुत खूबसूरत जगह है समुंदर के किनारे। अब जो ये जहाज शर्मल शेख से उड़े हैं, अब समझिए कि इनको रेड सी के ऊपर से उड़ना है। रेड सी अभी मैं आपको मैप में दिखा दूंगा, और रेड सी के दोनों तरफ इसराइल के दुश्मन देश हैं, इधर भी इधर भी। रेड सी के आगे बढ़ेंगे वहां भी इसराइल के दुश्मन देश हैं, और कैसे ये जो प्लेन्स हैं इनको जो है दुश्मन देशों के रडार से बचते हुए इनको उड़ाना है, तो पूरे पूरे रेड सी के ऊपर बिल्कुल सेंटर में ये प्लेन्स उड़े। और चूंकि इनको रडार से बचना था तो हाइट बहुत ज्यादा ले नहीं सकते थे, पानी की सतह से 100 फुट की ऊंचाई पर, या यूं समझ लें कि 30 मीटर की ऊंचाई पर ये प्लेन उड़ते रहे उड़ते रहे उड़ते रहे, और अपना रूट जो है इथियोपिया और जिबूती और केन्या के ऊपर से होते हुए फाइनली ये आके केन्या के नैरोबी एयरपोर्ट पर उतरते हैं, और इनकी रिफ्यूलिंग होती है, वही जिसकी बात पहले हो रही थी, क्योंकि बिना रिफ्यूलिंग के तो ये ऑपरेशन थंडर बोल्ट हो ही नहीं सकता था। अब ये जो इनका कारवा था जो प्लेन्स का, इसमें चार जो है लॉकहीड C-130 प्लेन थे, जो कि कार्गो प्लेन्स होते हैं, बड़े प्लेन्स होते हैं, और उसमें उनको जो एस्कोर्ट करने के लिए थे वो इसराइल के फैंटम विमान थे। ये वही फैंटम विमान है, फाइटर्स हैं, जो ईदी अमीन इनसे लेना चाह रहा था, जो इसराइल ने उनको मना कर दिया था, और साथ में थे दो बोइंग प्लेन्स। अब सोचिए इतने सारे प्लेन्स का पूरा एक कारवा जो है साथ साथ चला, सबकी ड्यूटी अलग अलग असाइंड है कि इसको ये करना है, इस टीम को ये करना है, इस ऑफिसर के अंडर में जो लोग हैं उनको ये करना है, सब कुछ पहले से असाइंड, वो भी थोड़े से वक्त में, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, होस्टेजेस को बचाना है, देश की इज्जत को बचाना है। अब ये जो दो बोइंग थे, इसमें एक बोइंग में तो सारी मेडिकल फैसिलिटीज थी, पूरा मेडिकल सेंटर इसमें स्थापित किया गया, और ये जो है केन्या के जो योमो केनाटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, रिफ्यूलिंग के बाद इसको वहीं रोक दिया गया, और जो दूसरा बोइंग प्लेन है उसकी जिम्मेदारी और थी, वो आगे बढ़ा इन हरक्यूलिस C-130 प्लेन्स के साथ जो चार थे, आगे बढ़ा, और जब तक वो वहां ऑपरेशन करेंगे, अपना होस्टेजेस का रेस्क्यू करेंगे, तब तक ये बोइंग जो है कुछ अपने कमांडर्स के साथ, अपने ऑफिसर के साथ एंटीबे एयरपोर्ट पर चक्कर लगाता रहेगा। और फाइनली इजरायली फोर्सेस जो है वो 3 जुलाई को 11:30 बजे रात में एंटीबे एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, और इसमें जो कार्गो प्लेन्स हैं, पहले एक कार्गो प्लेन लैंड किया, और उसकी चूंकि जानकारी थी नहीं रनवे की, स्ट्रिप की, कैसे करना क्या करना, तो किसी तरह पहला वाला जो कार्गो प्लेन था हरक्यूलिस C-130
वो लैंड कर गया और उसको लैंड कराने में ये सफल रहे और दुर्घटनाग्रस्त होते होते भी वो बच गया, लेकिन उनकी किस्मत थी तो वो प्रॉपरली लैंड कर गया। और उसके पीछे जब वो लैंड किया है तो इससे उतर कर जो उसमें ऑफिसर थे उन लोगों ने एयरपोर्ट पे कुछ लाइट्स जो हैं लाइट्स इन्होंने बनाई थी एयरपोर्ट पर बिछा दी, जिससे कि इसके बाद वाला जो प्लेन आएगा उसको लैंड करने में या उसको गाइडेंस लेने में रनवे और एयर स्ट्रिप की उसको आसानी हो जाएगी। तो इन्होंने दौड़ते दौड़ते उसमें कुछ लाइट्स भी बिछा दी और उसके बाद दूसरा प्लेन भी जो है वो प्रॉपरली लैंड कर गया, उसको कोई दिक्कत हुई नहीं। बाकी प्लेन्स भी प्रॉपरली लैंड कर गए, उनको दिक्कत हुई नहीं। अब यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि ये जो मोसाद है और जो IDF है, IDF मतलब इजरायली डिफेंस फोर्सेस, इन्होंने इतनी गजब की प्लानिंग की थी कि ये वहाँ लैंड कर जाएंगे तो फिर करेंगे क्या उसके बाद, तो जरा वो भी सुन लीजिए। इन्होंने क्या किया कि ईदी अमीन चूंकि गया हुआ था मॉरिशस और इन्होंने अपनी खोजबीन में ये पाया कि ईदी अमीन एक मर्सिडीज से चलता है जिसका कलर जो है वो ब्लैक है और उसको जो एस्कॉर्ट करती हैं वो है लैंड रोवर गाड़ियां। तो इन्होंने क्या किया, वैसी ही एक मर्सिडीज बनवाई जैसी कि ईदी अमीन यूज करता था और वैसी ही लैंड रोवर्स की व्यवस्था कर ली कि इन गाड़ियों को इसी लॉकहीड हरक्यूलिस C-130 में अंदर लोड किया गया। एक मर्सिडीज थी, दो लैंड रोवर थी आगे और दो लैंड रोवर पीछे चलने के लिए। तो आप सोचिए क्या गजब की प्लानिंग थी। और जैसे ये प्लेन वहाँ एयर स्ट्रिप पे प्रॉपरली लैंड कर गया, उसका रैंप खुला और वहाँ से लैंड रोवर आगे निकली और पीछे निकली वो मर्सिडीज। तो इसराइल के जो डिफेंस फोर्सेस थे उनकी प्लानिंग ये थी कि हम ऐसे कारवा में चलेंगे कि जब एयरपोर्ट पर ये कारवा चलेगा दो लैंड रोवर और बीच में एक मर्सिडीज और पीछे दो लैंड रोवर, तो वहाँ की जो सिक्योरिटी होगी, वहाँ के जो लोग होंगे उनको लगेगा कि ईदी अमीन स्वयं आ रहे हैं। तो ये उनको धोखा देने का एक प्लान था। और इस पूरे ऑपरेशन के लिए जो समय रखा गया था वो 1 घंटे का समय रखा गया था। और आप सोच लीजिए कि ये ऑपरेशन जो है इतना अच्छी तरीके से संपन्न हुआ कि कुल मिला के इसमें टाइम जो लगा है वो 53 मिनट्स का टाइम लगा है। कहीं कहीं लोग कहते हैं 59 मिनट्स का, बट जो भी है टाइम जो इन्होंने सेट कर रखा था 1 घंटे का, उससे कम ही टाइम लगा इस ऑपरेशन में। अब वो गाड़ी एयरपोर्ट पर चल रही है, जाहिर सी बात है एयरपोर्ट पर गाड़ी चलेगी तो कुछ देर बाद सिक्योरिटी का कोई चेक पोस्ट आएगा। सिक्योरिटी का चेक पोस्ट आया, अंदर इजरायली सैनिक बैठे हुए थे और युगांडन सैनिक ने इनको चैलेंज किया क्योंकि उसको ये पता लग गया था। अच्छा, वो जो युगांडन जो ऑफिसर था आर्मी ऑफिसर, उसको ये मालूम था कि अभी कुछ दिन पहले ईदी अमीन ने ब्लैक मर्सिडीज की जगह व्हाइट मर्सिडीज पर चलने लगे हैं, तो उसको कुछ शक हुआ तो उसने इनको रोकने की कोशिश की। इनको रुकना था नहीं और इनको ये सख्त हिदायत थी कि किसी भी हाल में गोली जो है चलानी है, फायरिंग करनी है तो ऊपर से ऑर्डर देने पड़ेंगे। लेकिन वहाँ पे जो ऑफिसर थे, जैसे युगांडन ऑफिसर ने आर्मी ऑफिसर ने चैलेंज किया, इनकी पिस्टल पर साइलेंसर लगा हुआ था, साइलेंसर लगे हुए पिस्टल से धाएँ धाएँ उनको ढेर कर दिया और गाड़ी आगे बढ़ गई। और आगे बढ़ के गाड़ी जो है सीधे जहाँ पे होस्टेजेस रुके हुए थे उसी बिल्डिंग के पास, क्योंकि उनके पास नक्शा मॉडल सारा डिटेल उसका था ही। ये लोग बिल्डिंग के अंदर घुस गए और घुसते इन्होंने वहाँ पे आवाज़ लगाई, हेलो वी आर इजरायली सोल्जर, वी हैव कम फॉर योर रेस्क्यू। तो होस्टेजेस को थोड़ा भरोसा हुआ क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज में ही, हिब्रू लैंग्वेज में बात कर रहे थे। फिर वो चाहते ही वहाँ पे ये ऑर्डर हुआ कि सब लोग छुप जाएं और कोई भी सर नहीं उठाएगा, तो उसने एक कोई फ्रेंच बच्चा था, वो ज्यू था, फ्रेंच सिटीजन था, उसने इनकी बात नहीं मानी तो उसको ये हाईजैकर समझ के उड़ा दिया गया। दो लोग और मारे गए, उनको यही समझ के उड़ा दिया कि हाईजैकर हैं क्योंकि इनकी बात नहीं मानी। इनके पास टाइम नहीं था, कोई प्रॉब्लम वहाँ खड़ी होगी उसको सॉल्व करने का टाइम ही नहीं है। प्रॉब्लम खड़ी हुई शूट, और सीधे वो होस्टेजेस से जब इनकी बातचीत वगैरह शुरू हुई तो होस्टेजेस से पूछा कि और जो बाकी आतंकवादी हैं जो हाईजैकर हैं वो कहाँ, तो उन्होंने इशारा किया कि वो बगल वाले कमरे में है। बगल वाले कमरे में आर्मी ऑफिसर जो युगांडा के थे क्योंकि वो पूरा सपोर्ट कर रहे थे, तो इस हॉल में जहाँ होस्टेजेस थे उसको बगल वाले कमरे में जाकर जितने भी आतंकवादी मिले उनको भी इन्होंने वहीं ढेर कर दिया। और अब काम ये था कि इन होस्टेजेस को बहुत कम से कम समय में लोड करना जहाज पे और इनको वहाँ से लेके उड़ जाना। इसराइल की असॉल्ट टीम जो थी वो लौट आई अपने जहाज की तरफ और जो पैसेंजर थे जो होस्टेजेस थे उनको वो जहाज पर लोड करने लगी। और इस दौरान जो है हैवी फायरिंग, जहाँ पे युगांडन जो भी आर्मी के जो पर्सनल थे उन सब ने इनके ऊपर हैवी फायरिंग शुरू कर दी
उसमें जो है इसराइल के 5 कमांडो जो हैं वो घायल हुए, और वो जो अटैक यूनिट जो असॉल्ट यूनिट जिसको लीड कर रहे थे यूनिट कमांडर योनाथन नेतन्याहू, उनकी मौत हो गई। हालांकि बाद में ये बताया गया कि जिस सोल्जर की जिस आर्मी ऑफिसर की गोली इनको लगी थी वो एयरपोर्ट का जो कंट्रोल टावर होता है वहाँ से उसने फायरिंग की थी, और बाद में एक रिटर्न फायरिंग में उसकी भी मौत वहीं हो गई। वो भी अमीन परिवार का बहुत करीबी था, लेकिन खैर उसकी भी मौत हो गई। और इस पूरे ये बहुत थोड़ी देर चली थी जो फाइट थी, मगर ये बहुत इंटेंस फाइट थी। गोलियां दोनों तरफ से चल रही थी, रॉकेट प्रॉपलिंग हो रही थी और कलाश्निकों की भी फायरिंग हो रही थी, ग्रेनेड्स भी फेंके जा रहे थे। तो उधर भी लोग मरे और इधर लोग घायल हुए, इधर एक ही शख्स की मौत हुई उधर। लेकिन जो युगेंडन थे उसमें करीब 33 से 45 युगेंडन सोल्जर्स की जो है वो मौत हो गई। और लौटते समय जैसा कि पहले तय हुआ था कि जो वहाँ पे मिक का स्क्वाड्रन खड़ा हुआ है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, तो लौटते समय जो मिक के प्लेन्स वहाँ खड़े हुए थे वो सब डिस्ट्रॉय कर दिए गए, उस पर गोले मार दिए गए या जो भी शेलिंग हुई वो तो पूरे बर्बाद हो गए और इस लायक नहीं रहे कि जब इनके जहाज उड़ेंगे तो वो इनका पीछा कर पाए, वो न्यूट्रलाइज हो गए। तो कुल मिलाकर जो ये 106 होस्टेजेस थे जो इसराइल ओरिजिन के थे और उसमें 12 जो क्रू मेंबर्स थे, 106 होस्टेजेस में 3 तो वहीं मारे गए और एक जो लेडी थी डोरा ब्लॉक वो 74 साल की थी, चूंकि वो अस्पताल में एडमिट थी तो उसको वहीं छोड़ दिया गया। और इस क्रॉस फायरिंग में जो हाईजैकर्स और रेस्क्यूअर्स के बीच में हुई उसमें 10 होस्टेजेस जो हैं वो वुंडेड हुए और कुल मिलाकर 102 लोगों का रेस्क्यू सफलतापूर्वक किया गया। और इन लोगों को एंटेबे एयरपोर्ट से उड़ाकर नैरोबी एयरपोर्ट वही योमो केनाटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ले जाया गया, जहां से इन लोगों को वापस अपने देश इसराइल की कैपिटल तेल अवीव में पहुंचाया गया। अब दोस्तों इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, ईदी अमीन वहां थे नहीं, वो बहुत ही क्रूर तानाशाह था, अपनी मर्जी से जिसको चाहे उसको मार देता था, जितने लोगों को चाहे उतने लोगों को मार देता था, जो फैसला उसको लेना होता था क्रूरतम से क्रूरतम फैसला वो ले सकता था। उसके बारे में ये तक कहा गया है कि वो अपने दुश्मनों का सिर अपने फ्रिज में रखता था, और उसके बारे में ये तक कहा गया है कि वो आदमियों का मानव का मांस खाता था। कुछ भी उसके ऊपर कोई रोक ही नहीं थी, जो सोचता था वो करता था। जब उसको ये पता लगा कि इजरायली फोर्सेस ने इतना बड़ा घटनाक्रम उसके देश में उसको अंजाम दे दिया है तो गुस्से से बिल्कुल पागल हो गया। उसने कहा कि मैं होता तो मैं ये कर देता, और मैं होता तो मैं इसराइल को सबक सिखा देता, और पता नहीं क्या क्या, लेकिन वो होता ऐसे ही है, जो होना था वो हो गया। अब रेड के बाद वो जो मलिया मंगू थे जिनके बारे में मैंने बताया था, आर्मी कमांडर युगांडा के, उन्होंने 14 सोल्जर्स को अरेस्ट किया जो वहीं पे एयरपोर्ट पे पोस्टेड थे, और उन पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये जो है इसराइली डिफेंस फोर्सेज के साथ मिल गए। उनको जो है उनमें से 12 को सीधे सीधे उसने अपनी पिस्टल से शूट कर दिया, उनका काम तमाम कर दिया। और वो जो 74 साल की लेडी थी जो हॉस्पिटल में एडमिट थी, जब ये ईदी अमीन अपने देश में लौट के आया तो सोचिए उसका दिमागी हालत किस तरह की मानसिक स्थिति उसकी थी, कि उसने अपने फोर्सेस को ऑर्डर किया कि डोरा ब्लॉक को गोली मार दी जाए। 74 साल की महिला जो कि अस्पताल में थी, इस तरह का क्रूर तानाशाह था ईदी अमीन, उसने इसको मरवा दिया। ईदी अमीन इस तरह से गुस्से से पागल हो गया कि उसने अपने देश में रहने वाले जितने केनियंस थे उनके मर्डर का आदेश दे दिया। ये आदेश दे दिया कि उनको जहां भी मिले उनको शूट कर दिया जाए। इस आदेश के बाद 245 केनियंस को शूट किया गया युगांडा में, और मौत के डर से कि हमें गोली न मार दी जाए 3000 जो केनियंस थे वो युगांडा को छोड़कर भाग गए किसी दूसरे देश में। मैंने आपसे अभी केनिया के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं ब्रूस मैकेंजी उनका नाम लिया था। ब्रूस मैकेंजी ने इसराइल की इस ऑपरेशन में मदद की थी। जाहिर सी बात है कि अगर रिफ्यूलिंग नैरोबी एयरपोर्ट पर नहीं होती तो ये ऑपरेशन बहुत मुश्किल था। ब्रूस मैकेंजी जो हैं बाद में कभी ईदी अमीन से मिलने आए थे, किसी विषय पर चर्चा रही होगी, किसी विषय पर मीटिंग रही होगी, और ईदी अमीन से मिलकर जब वो जा रहे थे तो उनके हवाई जहाज में एक बम्ब प्लांटेड था, और वो जब एक्सप्लोड हुआ तो ब्रूस मैकेंजी की मृत्यु हो गई। और ये दिन था 24 मई 1978। ऐसा कहते हैं ईदी अमीन नहीं, उनके मरने का ये
षड्यंत्र रचा था। इजरायली लोग भूलते नहीं हैं अपने दुश्मनों को भी और उनको भी जो उनका साथ देते हैं। इतने बड़े मिशन में ब्रूस मैकेंजी ने उनका बहुत बड़ा साथ दिया था, बहुत हेल्पफुल रहे पूरे इस मिशन में वो। इसराइल की जो स्पाई एजेंसी है मोसाद, उसके जो चीफ डायरेक्टर हैं मीर एमिट, उन्होंने इसराइल में उनके नाम पर, मैकेंजी के नाम पर एक फॉरेस्ट का प्रोजेक्ट तैयार किया और वो उसका नाम जो है ब्रूस मैकेंजी के नाम पर रखा गया। इस तरह से इसराइली आज भी उनका आदर सम्मान करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो प्रस्तुति करने का जो मेरा इरादा था उसके पीछे का कारण बताने का असली वक्त अब आ गया है। वो जो असॉल्ट यूनिट के हेड थे लेफ्टिनेंट कर्नल योनातन नेतन्याहू, वो अकेले शख्स थे जो कि कमांडोज के बीच में मारे गए अकेले, बाकी 5 कमांडोज घायल हुए। और उनकी शहादत की खबर जब इसराइल पहुंची, पूरा इसराइल जो है वो रो पड़ा और अपने शहीद को याद करके बहुत सारी श्रद्धांजलियाँ और बहुत सारे गीत उनके लिए गाए गए। योनातन नेतन्याहू, जिनको प्यार से लोग योनी भी कहते हैं, उन्होंने अपने देश के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस, जो अल्टीमेट शहादत होती है वो दी और पूरा देश उनका दीवाना है। आज इसलिए उनको याद किया जा रहा है कि यही लेफ्टिनेंट कर्नल देश के सपूत योनातन नेतन्याहू जब उन हॉस्टेजेस को छुड़ा के लाए थे 102 एंटेबे से, तो वही आज भी वो सीन, वो दृश्य इसराइली लोगों के दिमाग पर, उनके मानस पटल पर छाया हुआ है। आज भी हमास के कब्जे में वही हाईजैकर्स थे, वही आज भी हाईजैकर्स हैं, सेम परिस्थितियां आज भी हैं। बस आज जो हाईजैकर्स हैं उनकी संख्या कुछ ज़्यादा है और हाईजैकर्स पहले तेल अवीव से 4000 किलोमीटर दूर थे, आज शायद 4 किलोमीटर की दूरी पर हैं। वो ऐसा कुछ है कि हमास ने वहाँ सुरंगें बना रखी हैं, वहाँ कहीं छुपा रखा है, बट है। और जो सबसे अंतिम बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यही जो लेफ्टिनेंट कर्नल योनातन नेतन्याहू हैं, इनके छोटे भाई हैं जो आज इसराइल के प्रधानमंत्री हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। आज बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में जो हमास के साथ जो युद्ध है वो लड़ा जा रहा है, तब बड़ा भाई था, आज छोटा भाई है। देखते हैं परिणति क्या होती है। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये बहुत मेहनत से तैयार की गई ये स्क्रिप्ट है और ये वीडियो है। मुझे लगता है शायद आपको पसंद आए, और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। अपना साथ यूं ही बनाए रखें, आपके साथ से मेरा हौसला बढ़ता है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ऐसे ही रोचक और तथ्यपरक और फैक्टफुल वीडियोस और ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके सामने रखता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों।